अमेरिका से भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, या यूं कहें कि गुड न्यूज सामने आई है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। दुनिया कहीं से कहीं जा रही। अच्छा, अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दिया। और नहीं तो क्या, ट्रंप ने ये बयान दिया है कि इंडियन आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं। वो जलीना, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आके डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें हम। What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. वाह भाई वाह। लेकिन उन्होंने खास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया। बेकारी को कौन पूछता है। ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। आए हाय हाय हाय, भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। उनके लिए इतनी आसानियां और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। साला ये दुख का है, खत्म नहीं होता बे। अब अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाने के बड़े बहाने हैं। दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का, जलवा है हमारा। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के मालिक यूएसए वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते और हम जो उनके तरीके हैं तौर तरीके हैं वो यहाँ पे अपना रहे हैं। पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे दो नंबरियाँ करते हैं। देखें कि beggars can't be choosers, please understand that. सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 सारी बधाइयां स्वतंत्रता दिवस की। एक तरफ तो पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ और बहुत सारे सनातनी बांग्लादेशी हिंदुओं के दुख के साथ में दुख भी जाहिर कर रहे हैं और होना भी चाहिए। खैर, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उसकी परवाह अमेरिका को नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनकी परवाह अमेरिका के नए बनने वाले ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले समय के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखाया है। इस दुनिया में जब भी जहां भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक बनाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक में ये बताया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तानी हिंदुओं से इतना प्रेम है कि अगले बंदे ने कहा कि जब भी हिंदुस्तानी अमेरिका में पढ़ने आएंगे उसको तुरंत ही ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो ब्रेन हिंदुस्तानियों का ब्रेन होता है जो यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते हैं और हिंदुस्तान में वापस जाकर मिलीनियर बन जाते हैं, हम उस जीनियस माइंड को हमारे अमेरिका में रखेंगे ताकि हमारा अमेरिका दुनिया के अंदर यूं ही तरक्की करता रहे। अब आप हिंदुओं से प्रेम समझ लीजिए या अमेरिका का स्वार्थ, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है जी। हिंदुस्तानियों को जब इतना सम्मान मिल रहा है तो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन ये अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम एक दिन पहले पैदा हुए थे। ऐसे कैसे? शुरू के 3-4 साल तो इन्होंने 15 अगस्त को ही अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन अब ये 14 अगस्त को मनाने लगे हैं। इन्होंने अपना इतिहास ही बदल दिया, पूरे तोड़ मरोड़ दिया। कि इतिहास तरोड़ने मरोड़ने वाली कौम ने जब ये सुना कि हिंदुओं को इतनी प्रिविलेज मिल रही है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानी को नहीं मिल रही है, तो इनकी फटके फ्लावर हो गई और ये जलन में अंधे हो चुके हैं, और ये जो जलन है ना इन पाकिस्तानियों की फूट फूट के बाहर आने लगी। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, यूएस कहता है कि भाई जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली जो कि साउथ एशिया से, जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान से, तो अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी इंडियंस आता है यहाँ पर स्पेशली इंडिया को नॉमिनेट किया, इंडियंस आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आके डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें। तो उनके इंडियंस के लिए बात करने का पर्पस ये है कि उनके लिए इतनी आसानियां और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। अभी तो ये दुबई ने हमारे वीजे बंद किए हुए मिडिल ईस्ट ने, ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखें कि हमारी गवर्नमेंट का सारा कसूर है, आवाम का कोई कसूर नहीं है, और कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है। मैं खुद भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, मैं तुर्की से आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए, प्रोफेसर आप देखें ना, एक
प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी लेबोरेटरी में काम करने के लिए, जब एक प्रोफेसर आपको देता है तो वो आपको एक स्पेस देता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसके साथ काम करेंगे, वर्क बनाएंगे, आप उसकी लैब को इन्हांस करेंगे, वर्क को इन्हांस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे दो नंबरियाँ करते हैं। क्या दो नंबरियाँ करते हैं? दो नंबरियाँ वहाँ पे काम नहीं करते हैं या भाग जाते हैं। टीचर ने एक जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, वैकेंसी रखी होती है, हर टीचर को ना एक वैकेंसी मिलती है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करें, तो जिससे यूनिवर्सिटी का लेवल भी अप होता है और स्टूडेंट का लेवल भी अप होता है। तो जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो 50% स्टूडेंट होते हैं, मैंने ये एक सर्वे वहाँ पे खुद किया था, मैंने खुद देखा था कि वो बता रहे थे कि 50% स्टूडेंट सिर्फ पूरी स्टडी करते हैं, बाकी 50% बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ के भी भाग जाते हैं, और क्यों भागते हैं ये बात मेरा भाई ये पूरी बात बता ही नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो आज से 1.5 से 2 साल पहले टर्की में एक ट्रेंड चला था कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकालो, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर टर्किश लेडीज का वीडियो बनाया करते थे, टिकटॉक पे डाला करते थे, इंस्टाग्राम पे डाला करते थे। वहाँ के लोगों को जब पता चला कि हरकतें पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनकी मंजूरी के बिना उन्हीं के कोई भी तरीके के वीडियो बना के पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जब धीरे धीरे पता चला कि टर्की वालों की हरकतें हैं, तो टर्की से गेट आउट पाकिस्तानी एक मुहिम चली और पहचान करके लगभग 400 पाकिस्तानियों को टर्की से लात दे के निकाल दिया था। ये मेरा भाई वो बात छुपा गया कि पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में जाके करते क्या है, और यकीन नहीं हो तो प्रूफ देख लो। काम करते हैं अच्छा। काम करते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर बॉर्डर भी लगता है ना साथ ही, यूरोप लगता है टर्की से यूरोप चले गए हैं, या फिर जो यूरोपियन कंट्री शेंजन जोन है जिसमें 26 कंट्रीज हैं, तो वो तो इधर से उधर जाना मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स इटली का वीजा लगवाया है तो वो वहाँ से फ्रांस जर्मनी चले जाते हैं, किसी और मुल्क का लगवाया तो वो इधर उधर काम करने के चले जाते हैं, तो वो हमारे जो आगे प्रोफेसर के पास हमारा काम करने का वर्थ होती है ना, वो खत्म हो जाती है। सही हो। आप अगर देख रहे हैं, हमें इसलिए वीजाज और प्रोफेसर जो है हमें वैकेंसीज नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया हमें बहुत कम स्टूडेंट। इस दफा उन्होंने सीएससी का स्कॉलरशिप जो आता है ना हर साल चाइना का, उसमें इस दफा उन्होंने लास्ट ईयर की निस्बत 50% स्टूडेंट पाकिस्तान से लिए। चाइना भी ने और तुर्की ने भी इस दफा इनका बड़ा स्कॉलरशिप आता है जिसमें मैं भी गया था बरसलाई का, उस पे इन्होंने जो ना इस दफा सिर्फ 24 स्टूडेंट्स पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ 24 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी से सिर्फ 22 स्टूडेंट 24। अहमद मर्चेंट यूएसए के जो के पॉलिटिशियंस है उनको मारने के लिए सुपारी दे रहा है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के लिए लड़कों बंदों को पैसे दे रहा है। अब वो बात उनके सीआईए ने पकड़ लिया, अब पकड़ के तो वो कह रहे हैं पाकिस्तानी तुम सारे यहाँ पर ये काम कर रहे हो, जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर उनका कितना इमेज खराब हुआ होगा इस बात से, तो आप देख लें कितना को हो गया होगा। और इसी वजह से तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं कि पाकिस्तानी को मुस्लिम को यहाँ से निकाल दें या फिर जो है उनके ऊपर इतनी सी पाबंदी लगा दें कि वो खुद ही छोड़ के चले जाए। सही बात। या ना उनको काम देंगे, या अगर काम देंगे भी तो वो इतना घटिया होगा कि वो खुद उसको करने से गुरेज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्रिश्चियन से सफाइयाँ करवाते हैं, वहाँ से वो हमारे से करवाते हैं। यही तो कयामत है बाहर के मुल्कों में। हमारे लोग वहाँ पे जाके गटर साफ कर रहे होते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाके उनके वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं, क्लीनर बने हुए होते हैं, वो खुद क्यों नहीं करते हैं? खुद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सब काम करने के लिए पाकिस्तानी है ना, ये आसमानी कौम जज्बे वाली कौम, सारा जज्बा इन्हीं कामों में तो निकालेगी। अब मेरी बात सुन के ये देखो फिजा खलीफा एक कर्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो जैसे करोगे वैसा भरोगे ना, ऐसा ही है। देखिए ना कितनी गलत बात है, हमारे कंट्री का इमेज खराब हो चुका हुआ है, और यहाँ का जो हमारा अपना फरसूदा निज़ाम है बेसिकली हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। पाकिस्तानी भी जाते हैं वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे हम भी वही फीस देते हैं जो इंडियन पे करते हैं। सही बात है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के मालिक यूएसए वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते और हम उनकी सारी जो उनके तरीके हैं तौर तरीके हैं वो यहाँ पे अपना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये दिस इज नॉट फेयर। यार दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें इतने मतलब के वार्म वेलकम नहीं किया जाता जितने दूसरे नेशंस का किया जाता है। अगर मैं बात करूँ अपने ब्रदर मुल्क इस्लामी मुल्क दुबई की बात करूँ तो दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए हमारे, ऐसा क्यों है? अगर उन्होंने एक रिसर्च पेपर भेजा के जिसके मुताबिक के जो 50% जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी करते हैं और 50% अदर नेशंस के लोग कर रहे हैं, तो हम ऐसा कौन क्यों करप्ट हुए?
सर इसमें देखें कि एक तो हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। अबे हुक्मरानों का हाथ कैसे हो गया, विदेशों में जाके हरकतें तो गंदी तुम करोगे और इसमें भी हुक्मरानों का हाथ। अबे हर चीज दूसरे पे ढोल देते हो, कभी अपनी गलतियों को भी मानना सीख लो कि हाँ भाई हमारे लोग ऐसे हैं, वो जाकर मुंह काला करवाते हैं हमारा। अब इसमें हुक्मरान कैसे दोषी हो गए मुझे बताओ। कोई बंदा अगर यूएई में जाके, टर्की में जाके, यूरोप में, यूएसए में, कहीं पे भी जाके अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसमें हुक्मरान दोषी कैसे हो गए भाई। और फिर ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें लोग जलील करते हैं, गालियां देते हैं। भाई तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, कर्म ही ऐसे हैं। सही बात है। जो उधर दुबई जाते हैं या कहीं भी कंट्रीज में जाते हैं उनको इधर से आदत पड़ी होती है, मतलब ये चोरी वगैरह करने की, लोगों का हक मारने की। लानत है तुम लोग पे, लानत। पूरा वीडियो देखने के बाद तुम ये बोल सकते हो ये पाकिस्तानी जो है थकी हुई कौम है, हारी हुई कौम है, ये अपने आप को कहते हैं जज्बे वाली कौम है। लेकिन जज्बा क्या होता है वो दूर दूर तक इन पाकिस्तानियों में नजर नहीं आता। ये बड़ी बड़ी चीखे मार के, बड़ी बड़ी दाड़े मार के कहते हैं कि हम कलमे वाली कौम है, हम आसमानी कौम है, और पूरी दुनिया में जलील हो रहे होते हैं। ये अपने मुल्क में रहते हैं तब भी जलील होते हैं और दूसरे के मुल्क में जाते हैं तब भी जलील होते हैं। और इनको चाहिए फिर फुल इज्जत। करतूतें इनकी चोरों उठाई गिरो वाली है, लेकिन इनको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत की जगह इनको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। फिर रोते, बिलबिलाते और चीखते, और हिंदुस्तानी इसी चीज का लेते आनंद। तो ये आज का आनंद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी, अच्छी बुरी जो भी बात बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाइएगा। आपको अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।